अटल जी की कोई एक कविता, सबसे पहले उस कविता से शुरुआत की जाए, क्योंकि अटल जी की कविताएं हमेशा ही लोगों के जहन में रहेगी। और अटल जी ने जिस तरह से कार्य किए हैं, उनके ना रहने पर भी लोग, लेकिन उनकी यादें जो लोगों के जहन में अभी भी बनी हुई है। अटल जी की कविताएं बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं, वो कविताओं को अब हमारे मुख से अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी कविताओं में इतनी सारगर्भिता है, इतनी उसमें है उस वजह से। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा, अटल जी जैसा नेता न हुआ है न होगा, और चाहे जितने भी जो लोग हों, इतने सहृदय, इतने सरल, इतने मृदुभाषी। मैं उनकी एक सन 80 की बात बताऊँ कि उस समय भी अटल जी एक कुर्ता एक धोती पर चलते थे। अब उनके समझ लीजिए किस परिस्थितियों में रहते थे वो, और कभी फट गया कुर्ता तो खुद सीते थे। ये अटल जी की विशेषता थी, और ऐसा व्यक्ति देश का भारत रत्न बना, देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसे उनकी याद में यह कवि सम्मेलन भारतीय सेवा संघ ने, पूर्वांचल सेवा संघ ने रखा। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ, और आपके माध्यम से मैं मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र के हिंदी भाषी, उत्तर भारतीय और मराठी भाषियों को अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, और महाकुंभ इसमें पूरे विश्व का निगाह है, पूरे विश्व के कई अच्छे प्रधानमंत्री नेता सब आ रहे हैं, और यहां के लोगों को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि आप लोग आइए प्रयागराज में महाकुंभ में, डुबकी लगाइए और दर्शन कीजिए। और एक अक्षय वट जो आज तक दर्शन नहीं हुआ, अक्षय वट का पहली बार मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है, माननीय मोदी जी और योगी जी वहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था इस बार की है कि आपको विश्वास नहीं होगा। जितने मठ हैं, जितने व्यवस्थाएं हो रही हैं, 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार किराए पर वहाँ कॉटेज बिक रहे हैं, भाड़े मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबको देखना चाहिए। एक बार पुनः पूर्वांचल सेवा संघ के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल सही आपने कहा कि यह महाकुंभ जो है, यह इसमें भाजपा की सरकार है केंद्र और राज्य में, इसलिए व्यवस्था 4 चौगुना अच्छी हो गई है, और 4 चौबंद व्यवस्था हुई है। और लोगों ने, सरकारें थी सपा बसपा की, एक नाम मात्र कि कुंभ है इसलिए कुछ कर दो, ऐसा नहीं है। कुंभ का अस्तित्व, कुंभ का महत्व और कुंभ की जो महत्व है, यह उसमें दिखाया जाएगा। आज इस बार का महाकुंभ अलग ही होगा, लगभग 12 करोड़ भक्त वहां आएंगे और डुबकी लगाएंगे गंगा जी में, यह सबसे बड़ी बात है। मैडम, पूरा देश जानता है ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये लोग खाली अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने बच्चों को कहीं प्रतिस्थापित करने के लिए, अपना कहीं भी पैसा सौदेबाजी हो जाए, हम 10 सीट जीत जाए, सौदा करें, हमको इतना दो तो हम आपको समर्थन देंगे, यह सब इनका काम है। जनता, पूरा देश जागरूक है, मीडिया इतनी समय इतनी सब सजल और सफल हो गई है कि उनके माध्यम से दिखाती है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि उनको ठगबंधन है, गठबंधन है ही नहीं। धन्यवाद।